ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग अकाउंटिंग में सीखने वाले Tally.TRP9 Tally.TRP9 की क्लास में आज हम लोग पेरोल का एक टॉपिक कर रहे हैं और पेरोल के टॉपिक के लिए हम लोग यहाँ पे टैक्स इनकम टैक्स के लिए हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं और उस डिक्लेरेशन में हाउस रेंट डिक्लेरेशन कर रहे हैं। हाउस रेंट डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉई, जैसे उदाहरण के लिए मनोज चौधरी है यहाँ पे, और वो जो रहता है उसका क्या है कि हाउस रेंट के लिए जो डिक्लेयर किया गया है वो बताया गया है यहाँ पे। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे मनोज चौधरी के लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, किया हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉई का नंबर आ गया है, देन यहाँ पे इफेक्टिव डेट है और उसके जो हाउस रेंट है वो 5,000 के लिए डिक्लेयर किया गया है, नॉन मेट्रो सिटी में है, उसका लैंडलॉर्ड कौन है, इस तरीके की जो सारी इन्फॉर्मेशन है अगर आप सभी एम्प्लॉई के लिए करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉई के लिए ये बना के बताया है आपको, और इस तरीके से मैं आपको ये जो चीज़ें दिखा रहा हूँ ये आपको मैं कंप्लीट प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर में Tally.TRP9 चालू कर लेना है। जैसे Tally.TRP9 का सॉफ्टवेयर चालू होता है इस तरीके से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आपकी जो कंपनी है ना, नेम ऑफ कंपनी के नीचे उसका नाम आना चाहिए। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर रखी है, इसलिए इसमें ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नेम आ रहा है। यदि आपने कंपनी नहीं बना रखी है तो प्लीज एक बार ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में जाए, वहां पे Tally.TRP9 की आप 1, 2, 3, 4, 5 क्लास देख ले, वहां पे कंपनी बनाना सर्च सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा। जैसे आप कंपनी बना लेते हो, सेलेक्ट करते हो, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको चलना है गेटवे ऑफ टेली में। गेटवे ऑफ टेली में आपको मिलेगा पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यदि आप पेरोल का टॉपिक डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका यहाँ पे ये नाम नहीं आ रहा है या पेरोल इन्फो का टॉपिक नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैलेंज के Tally.TRP9 के 129 नंबर की क्लास है, वहां से पेरोल स्टार्ट होता है। सबसे पहले उसे एक्टिवेट कर लें, एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पेरोल इन्फो आ जाएगा। आने के बाद में आप पेरोल का जो सभी टॉपिक से 129 के बाद के और जो भी मैं आज सिखा रहा हूँ ये सभी आपको स्टेप बाय स्टेप देखने हैं और अपनी जो कंप्यूटर है उसमें टेली के अंदर सभी जो पीहेड्स वगैरह हैं जो भी मैंने क्लासेज किए हैं वो सभी क्रिएट करनी है और कंप्लीट कर लेनी, तभी ये टॉपिक कर पाओगे। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पेरोल इन्फो में जाना है। पेरोल इन्फो में जाओगे तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही सिखाई हुई हैं, तो ये सभी कंप्लीट होने के बाद ही आपको यहाँ पे इनकम टैक्स डिटेल्स पे जाना है। इनकम टैक्स डिटेल्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हमको ये डिक्लेयर करना है कि हाउस रेंट अलाउंस है वो आपका क्या है और नॉन मेट्रो है या मेट्रो है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा एम्प्लॉय का नेम क्या है। एम्प्लॉय का नेम जैसे मनोज चौधरी है, यदि एक के लिए बना रहे हैं तो मनोज चौधरी लेना है, यदि यहाँ पे ऑल है तो यहाँ पे ऑल आइटम्स ले लेना है, और यहाँ पे जो आ रहा है ये हो सकता है आपके नहीं आए और आए तो यहाँ पे आपको एनी ले लेना है, और इसके बाद में यहाँ पे मनोज चौधरी यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने ऑल आइटम्स लिया है तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होंगे सभी एम्प्लॉय की लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। मैंने एक ही एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे एक आ रहा है। आपको करना क्या है कि हाउस रेंट अलाउंस HRA के लिए यहाँ पे बताना है कि इफेक्टिव डेट क्या है। इफेक्टिव डेट हम 1 जुलाई से चालू करना चाहते हैं, 1 जुलाई 2023 से। और डिक्लेयर रेंट में आपको क्या है कि जो भी आपका हाउस रेंट है या फिर यहाँ पे मनोज चौधरी का जो हाउस रेंट है वहाँ पे लिखना है, उसका है 5,000। एंटर करेंगे, प्रूफ में कुछ नहीं देना है। इसके बाद में आता है यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो प्लेस है वो कौन से स्थान पे है मनोज चौधरी का, मेट्रो में है या नॉन मेट्रो में है। मान लेते हैं हमने नॉन मेट्रो है, मेट्रो का मतलब होता है महानगर और नॉन मेट्रो का मतलब है छोटी जगह जो होती है उसके लिए। नेम ऑफ लैंडलॉर्ड के लिए आपको नेम देना है, जो भी यहाँ पे नाम होगा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे नेम दे दिया राम सिंह, ठीक है, राम सिंह। मैंने यहाँ पे राम सिंह नहीं, राम किशन है जो मैंने अभी दिखाया था, राम किशन यहाँ पे जैसे मान लें एम्प्लॉय लैंडलॉर्ड का नेम है, एंटर किया। और इसके बाद में पूछा जाएगा पैन ऑफ लैंडलॉर्ड, पैन अगर इसका क्या है कि लैंडलॉर्ड का पैन नंबर है तो आप न्यू पे जाएंगे और उसका पैन नंबर डाल देंगे। यदि आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अदर वैल्यू डालें और एंटर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप एंटर करोगे तो यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, लेकिन यदि आपके यहाँ पे एम्प्लॉय और है तो यहाँ पे एम्प्लॉय की लिस्ट आती जाएगी अपने आप। यहाँ पे सभी एम्प्लॉय में यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर अपने ऑटोमेटिक आएंगे, बस आपको इफेक्टिव डेट डिक्लेयर्ड और ये सभी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय के लिए क्रिएट किए उसी तरीके से आपको सभी एम्प्लॉय की क्रिएट कर देनी है, और क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करके यस कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट यस करेंगे तो यहाँ पे मनोज चौधरी या आप जितने भी आइटम आपने ले रखे हैं उन सभी के लिए यहाँ पे आइटम सभी की यहाँ पे हाउस रेंट के लिए डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद में एक्सेप्ट की से बैक आ जाए, और बैक आने के बाद में आप गेटवे ऑफ टेली तक वापस आ सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।